उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को विशेष विमान से जोधपुर पहुंचे। उन्होंने पालासानी गांव स्थित मारवाड़ राजगुरु मठ सिद्ध श्री चिड़ियानाथ आसन में भ्रमणलीन योगी कैलाशनाथ महाराज का संख्या ढाल और दो दिवसीय भंडारा महोत्सव में भाग लिया। इस दौरान सीएम योगी ने सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने विपरीत हालातों में अपनी परंपरा कैसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए ये देखने के लिए पूरी दुनिया भर से लोग राजस्थान आते हैं। सीएम योगी ने कहा कि रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन हर राह मंजिल तक पहुंचती है, पर हमें यही सही राह चुनने की जरूरत है। यह राह वही जो हमारे साधु संत और योगियों ने हमें दिखाई है। सनातन धर्म एक विराट रूप है, वो सबको अंदर समाहित करता है। सनातन धर्म के मूल्यों के प्रति हम सब का आग्रह होना चाहिए। धर्म एक ही है, वो है सनातन धर्म, बाकी सब पंथ हैं। हर परिस्थिति में बिना डरे, बिना हटे और बिना झुके अपनी जीवंतता को बनाए रखा है और बना रहा है। इसलिए दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग आए और चले गए लेकिन सनातन धर्म सम विषम हालातों का सामना करते आज भी आगे बढ़ रहा है। धर्म एक ही है और वो सनातन धर्म है। बाकी पर्सनालिटी क्या हो सकती है, पंथ हो सकते हैं, संप्रदाय हो सकते हैं। हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में जो अपनी जीवंतता को बनाए रखा है, बिना डिगे, बिना हटे, बिना झुके वह बना रहा है। और इसीलिए दुनिया के अंदर बहुत कुछ आए, बहुत कुछ चले गए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन सनातन धर्म अपनी इस अनवरत यात्रा को सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए निरंतर बनाए हुए है। कुछ कालखंड में कुछ बैरियर आए होंगे, कुछ बाधाएं आई होंगी, कुछ चुनौतियां आई होंगी। अगर हमने बाधाओं का सामना नहीं किया, वे कुछ दिन तक, कुछ देरी तक उन्होंने समाज को चुनौती दी होगी, सनातन धर्मावलंबियों को चुनौती दी होगी, लेकिन जब एकजुट होकर के स्वर एकजुट होकर के निकल पड़ा और एक स्वर में पूरा भारत बोल पड़ा तो विजयश्री का वर्णन करने में बहुत देर नहीं लगती है। सीएम योगी ने कहा कि उस कालखंड में कुछ बाधाएं और चुनौतियां आई होंगी, अगर हमने बाधाओं को सामना नहीं किया होगा तो उन्होंने हमें चुनौतियां दी होंगी, लेकिन जब हम एकजुट होकर के निकल पड़े तो जीत होने में बहुत देर नहीं लगी। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। 22 जनवरी को 500 साल के इंतजार के बाद प्रभु राम को अपने भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे, इससे हम सब भारतवासी प्रसन्न है। वीडियो डेस्क, kamarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।